पूर्वी जिला के थाना प्रीत विहार ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूर्वी जिला के डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहित चौधरी निवासी शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया है कि 4 जनवरी 2024 को थाना प्रीत विहार पर अवैध तरीके के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। SHO हीरालाल की देखरेख में हेड कांस्टेबल विकास राठी, कांस्टेबल धर्मेंद्र और योगेश यादव की एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने V3S मॉल में छापेमारी की और एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। आरोपी की तलाशी लेने पर उनके पास से एक पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। थाना प्रीत विहार ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। आगे की जांच जारी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।